तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम इंग्लिश पैडागोजी में लैंग्वेज स्किल चैप्टर से राइटिंग स्किल, और इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो टॉप 20 क्वेश्चन है सीटेट में पूछे गए हैं या अन्य स्टेट टेट में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मीनिंग समझाऊंगा, उनका आंसर ऑप्शंस में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, फ्लोवर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। तो ये कह रहा है कि फ्लोवर एंड हेज, ठीक है, इन दोनों ने, ठीक है, ये पर्सन थे जो लिंग्विस्ट थे, भाषा विज्ञानी कहें तो उन्होंने कौन सी स्किल को प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल कहा है, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में, ठीक, कौन सी स्किल जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल है। ये सीटेट 2 दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था राइटिंग को, ठीक है, राइटिंग जो है एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट भी करती है और उसको सॉल्व भी करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, लास्ट स्टेज क्या होगी राइटिंग में। तो राइटिंग स्किल जब हम करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो कंट्रोल राइटिंग भी होती है और कंट्रोल राइटिंग से फ्री राइटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, एक गाइडेड राइटिंग भी इसी तरीके से है, ठीक है, फ्री राइटिंग की तरफ आते हैं। लेकिन जब सबसे लास्ट स्टेज पर अगर हम बात करें, इंसान जो है एक एडवांस लेवल पर जाकर वो राइटिंग स्किल डेवलप हो जाती है उसकी, बहुत बेहतरीन तरीके से वो लिखने लगता है, तो ये एडवांस राइटिंग स्किल होती है। लास्ट स्टेज जो है एडवांस राइटिंग स्किल है, ठीक है। ये भी सीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन आया था, ये भी सीटेट 2018 में पूछा गया था, राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है, स्पीच साउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो राइटिंग के माध्यम से, और वो राइटिंग किस माध्यम से होती है, ग्राफिकली, ठीक है, जो साउंड्स होती हैं उनको ग्राफिकली, जैसे हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी, ठीक है, तो ये जो है साउंड्स को हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरह से ये लाइन खींचना ही ग्राफ ही कहलाता है। तो स्पीच साउंड्स को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राफ में, जो कि राइटिंग स्किल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन है, सीटेट 2018 में पूछा गया था, अभी कन्वेंशन ऑफ राइटिंग, अलग अलग सेट में आए हैं, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड, यानी जो हम राइटिंग लिखते हैं, मतलब जो रिटन चीज़ होती है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कन्वेंशन होता है, कि कन्वेंशन मान के चलते हैं कि कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें कॉलम लगाना है, सेमी कॉलम लगाना है, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो हमें कहाँ लगाना है, ठीक है, तो ये कन्वेंशन होती है। तो ये क्या कहलाती है, पंक्चुएशन, यानी प्रॉपर पंक्चुएशन, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड प्रॉपर पंक्चुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फ्री राइटिंग अ लर्नर एंगेज्ड इन, फ्री राइटिंग में लर्नर एंगेज होता है किस चीज़ में, फरवरी 2016 में सीटेट में पूछा गया है, राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हर इज माइंड, एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो फ्री राइटिंग कौन सी होती है, ऐसी राइटिंग होती है, यानी ऐसी चीज़ें जब बच्चे जो है कोई पैराग्राफ या स्टोरी या लाइन लिखते हैं, ठीक है, जिसमें वो स्पेलिंग और ग्रामर पे कोई ध्यान ना दे, गलत हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं, अपनी बात को रखना है, ठीक है, वो ग्रामेटिकल ठीक या गलत हो सकता है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो यही फ्री राइटिंग की खास बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो प्रोसेस राइटिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो हम कुछ रिटन वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या खास बात होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड, कौन सा पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, वर्ड लिमिट या लॉजिकल सीक्वेंस। तो फ्रेंड लॉजिकल सीक्वेंस को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जब हम कोई रिटन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप है तो वो लॉजिकल होगा, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, फरवरी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, यानी रीडिंग जो है, ठीक है, पठन कौशल वो फुल मैन बनाती है, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था फ्रांसिस बेकन ने, ठीक है, यूपीटेट में आया है और फरवरी 2014 में सीटेट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग ठीक है। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे होते हैं, देखिए एक तो होता है आप वर्टिकल लिखते हो बिल्कुल सीधे, एक आप लिखते हो थोड़ा सा मतलब एक तरफ झुका हुआ, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा टिल्टेड, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। एक में हम बिल्कुल स्ट्रेट अक्षर बनाते हैं, वर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ कर्सिव लिखते हैं, कुछ इस तरीके से। विच वन इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ, तो वर्टिकल तरीके से लिखना ये बेस्ट कहा जाता है। कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके भी लिखते हैं, एंगल पे लिखते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल आप समझ गए होंगे, वर्टिकल राइटिंग जैसे इसमें लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात आती है कि विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो गुड हैंड राइटिंग की इसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है, यूपी टेट में आया हुआ है, ठीक है। तो लेजिबिलिटी है, ठीक है, लेजिबिलिटी का मतलब होता है कि लिखाई ऐसी हो कि समझ में आ जाए, ठीक है, स्पष्ट तरीके से, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस यानी अलग अलग अक्षरों की अलग अलग तरीके से आप पहचान, ऐसा नहीं कि एक साथ, ठीक है, मिले हुए हैं, ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं, कुछ अक्षर एक जैसे बना दिए, जैसे ई और सी में अंतर नहीं पता चला, तो डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है। स्पेस, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, लेटर्स में भी एक वर्ड के बीच में और एक सेंटेंस में वर्ड्स के बीच में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स, तो अगर ये एब्सेंस होगी, ठीक है, तो ये गड़बड़ होगा, यानी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लेटर में, साइज ऑफ लेटर। ऐसा नहीं है कि आपने ए इतना बड़ा बनाया, ठीक है, और स्मॉल लेटर में फिर बी इतना बड़ा और सी फिर आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। यानी अगर स्मॉल लेटर्स एक साथ लिखे जा रहे हैं तो उनके साइज में यूनिफॉर्मिटी होनी ज़रूरी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एब्सेंस जो है ये नॉट इज नॉट ए क्वालिटी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ दिस इज नॉट ए क्वालिटी, ठीक है, इसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है, साइज ऑफ लेटर सेम होना जरूरी है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको राइटिंग प्रोसेस जो है, यानी स्टेजेस जो है राइटिंग की, वो बताता हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख लें और उसको पब्लिश करने के लिए दे दें, ठीक है, या किसी को पढ़ने के लिए दे दें। तो उसका एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये याद रखने वाली बात है, राइटिंग जो है एक प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, तो राइटिंग प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो प्री राइटिंग में क्या आता है, प्री राइटिंग में यानी लिखने से पहले हम जो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी किसी टॉपिक के बारे में हमने सोच लिया, उसके बारे में हम बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान, इसे हिंदी में हम मानसिक उद्दीलन कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आती है, हमने तैयारी कर ली, तो ड्राफ्टिंग करेंगे, जो हमने सोचा उसको हम लिख देंगे, जो भी थॉट आ रहा है दिमाग में। तीसरा काम करेंगे, रिवाइज करेंगे, यानी उसको देखेंगे दोबारा से कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। उसके बाद एडिटिंग करेंगे, कहीं गड़बड़ हुई है तो उसे करेक्ट करेंगे, ग्रामेटिकली है, पंक्चुएशन गड़बड़ है या कैपिटल लेटर्स में गड़बड़ हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने लिखा उसको अब अच्छे से हम एक बार देख लेंगे और उसके बाद पब्लिश कर देंगे। पब्लिश का मतलब कि दूसरों को पढ़ने के लिए दे देंगे, या जैसे हम या किसी से हम पोएम शेयर करते हैं या कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं टीचर के साथ। तो ये राइटिंग प्रोसेस के स्टेप हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट एडिट रिवाइज देयर वर्क इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये राइटिंग स्किल है, ठीक है। तो प्रोसेस है, ठीक है, सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 2011 में पूछा गया था, हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीचिंग राइटिंग स्किल्स टू ए क्लास, टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू ए क्लास, यानी राइटिंग स्किल्स, ठीक है, यानी लेखन कौशल जो है वो बच्चों में कैसे अच्छे से बताएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बाई ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन वर्ड्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ का मतलब है कि वो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़, थॉट्स लाएंगे, ठीक है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और एक तरह से स्टूडेंट्स अपने शब्दों में उसको बयान करेंगे। तो इस तरीके से, जिसे हम फ्री राइटिंग कह सकते हैं, कि बिना ग्रामेटिकल और बिना स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए जो मन कर रहा है वो लिखिए, ठीक है, आइडियाज़ आपको कन्वे करने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ दी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स, है ना, कौन सा सही है। रिटन प्रोसेस, रिटन क्या है, राइटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। रिटन प्रोसेस इज ए प्रोडक्टिव वन, तो भाई राइटिंग प्रोसेस जो है वो प्रोडक्टिव तो होता ही है, ठीक है, राइटिंग प्रोसेस एक प्रोडक्टिव एक तरीका है अपने बातों को रखने का, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा है, प्रोडक्टिव है,
ठीक है। दूसरा है राइटिंग स्किल रेनफोर्स ओरल एंड रीडिंग वर्क। जो राइटिंग स्किल होती है वो आपको पढ़ने पर और सुनकर लिखने पर मजबूर करती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे, आप कुछ पढ़ोगे, आप कुछ सुनोगे तभी तो आप लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। नेक्स्ट है दिस स्किल इज एज गुड एज पीस ऑफ आर्ट अलाउंग द लर्नर टू एक्सप्रेस एंड ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड आइडियाज इनटू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। मतलब ये स्किल ऐसी है जैसे एक आर्ट होती है, पीस ऑफ आर्ट, लर्नर जो है वो एक्सप्रेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, ठीक है, दूसरों तक पहुँचाता है और कन्विंस करता है, दूसरों को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 और तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस। तो राइटिंग प्रोसेस के जितने भी हमने पढ़े थे स्टेजेस, उसमें एडिटिंग इसमें आती है। तो ये जनवरी 2012 में सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th इन ग्रुप ऑफ 6। छः बच्चों के ग्रुप में एक क्लास 5th को टीचर ने डिवाइड करा है। प्रोवाइडेड ईच विद ए शॉर्ट स्टोरी, सबको शॉर्ट स्टोरी दे दिया। देन शी आस्क्ड देम टू इमेजिन, डिस्कस एंड राइट द स्टोरी विद अ डिफरेंट एंडिंग। यानी जो कहानी उसने दी थी बच्चों को, अब करना यह है कि बच्चे उस एंडिंग, यानी वो कहानी जहाँ समाप्त हो रही थी उस तरीके से समाप्त नहीं करनी है, कोई नई एंडिंग देनी है, ठीक है, नई कहानी का पटाक्षेप करना है, मतलब उसका क्लाइमैक्स जो है वो नया होना चाहिए। इन दिस एक्टिविटी द टीचर इज डेवलपिंग देयर, तो टीचर जो है बच्चों के उसमें क्या डेवलप कर रहा है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग होती है जिसमें बच्चे खुद ट्विस्ट देते हैं कहानी को। सितंबर 2015 में आया था सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग इज ए, तो देखिए राइटिंग इज ए प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट। ठीक, प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा था। अब कभी कभी जो है राइटिंग प्रोसेस के स्टेजेस, ठीक है, वो एक साथ लिखने के लिए आते हैं, उनकी कैटेगरी आ जाती है। अभी हमने जो पढ़ा था, ठीक है, प्री राइटिंग लिखा था हमने, ठीक है, और एडिटिंग और ड्राफ्टिंग और ये सब जो पढ़ा था वो तीन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एक तो प्री राइटिंग स्टेज होती है, एक राइटिंग स्टेज और एक पोस्ट राइटिंग। प्री राइटिंग में हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग आइडियाज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है और प्लानिंग है, वो इसके अंतर्गत आती है। राइटिंग स्टेजेस में ड्राफ्टिंग आती है, यानी जो आपने सोचा है वो लिख लिया आपने, ठीक है, और पोस्ट राइटिंग में जैसे रिवाइज करते हैं, रीड्राफ्ट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से भी अगर पूछा जाएगा तो आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राइटिंग स्किल पे, लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। इससे जुड़ी, लैंग्वेज स्किल से जुड़ी सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश पेडागोजी की सारी प्रिपरेशन, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा सिलेबस मैंने कवर कराया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।